आम आदमी पार्टी ऐसा वातावरण तैयार करना चाहती है दिल्ली के अंदर कि किसी महिला को ये महसूस ही ना हो कि वो महिला है, किसी महिला को ये लगे ना कि मैं महिला हूं, और वो रात को 12 बजे भी खुलेपन से, आजादी से, सुरक्षित महसूस हो के, कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर निकल सके कि मेरा कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी चाहती है कि महिला को बराबर के अधिकार मिले, महिला और पुरुष, ना पुरुष को लगे कि वो पुरुष है और ना महिला को लगे कि वो महिला है। इस बार वही स्ट्रांग डिटरेंस महिला सुरक्षा के लिए करेंगे। मैं एक बात साफ साफ कर देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी समझ ले मैं शीला दीक्षित नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठने वाला। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेंगे।